नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। मौसम विभाग देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक नैनीताल जिले में 2 मार्च यानी कल कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी नैनीताल फिरचराम चौहान ने बताया कि वर्तमान में जिले की पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम बारिश व शीतलहर के साथ पाले की भी संभावना है। बता दें, इसके अलावा ओलावृष्टि और हिमपात से संभावित क्षति और मार्ग बाधित होने तथा संवेदनशील नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं से तत्परता से निपटने के लिए जिले के संबंधित अधिकारी अलर्ट पर रहेंगे। बता दें, अपर जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से सभी संबंधित खंडों में हिमपात भूस्खलन से संवेदनशील मार्गों और स्थानों पर दी गई अवधि में JCP मशीनें और गैंग कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही सभी विकास खंड और संबंधित क्षेत्राधिकारी अपने अपने मुख्यालय पर बने रहेंगे। जानकारी के अनुसार अधिकारी और कर्मचारी अपने मोबाइल फोन चालू रखेंगे और प्रत्येक घंटे की आपदा संबंधी सूचना तहसील कंट्रोल रूम और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को उपलब्ध कराएंगे। मौसम की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।